वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आज इस वीडियो में आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि अभी आप लोगों ने एक मंदिर देखा जो कि स्कूल में मंदिर है और स्कूल ही है और बड़ा सा ग्राउंड भी है। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से आगे की सफ़र कर रहा हूँ तो मैं चला गया अपने गाँव से, करीब 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है, और कई रास्तों से निकल गया। वहाँ पर एक लीची के बगीचे में बहुत बड़ा और पुराना महल है जो कि महल खंडर हो चुका है। इसी खंडर को दिखाना है, पूरा फोटो आप लोग डिस्प्ले देख सकते हैं और ये वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ जाकर वीडियो पूरा देख लीजिए। काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पे काफ़ी पुराने ज़माने के कुछ हथियार भी हैं और सामान भी हैं जो कि इस बागीचे में है। और वहाँ पर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा जंगलों के रास्ते से निकलना पड़ता है और काफ़ी पुराना है। तो ये जो जंगल है पडरौना में है और चारों तरफ लीची का बगीचा, चारों तरफ ऐसे ही है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी भयानक भी लगता है। तो यहाँ पर भी बहुत से कम ही लोग आते हैं देखने के लिए। सफ़र के दौरान रास्ते में ऐसे बहुत से चीज़ मिल जाते हैं देखने के लिए, तो साइकिल से हमारा सफ़र चालू रहता है। तो आज कई दिनों से साइकिल से सफ़र नहीं हो पा रहा है और अच्छी जगह से घूम भी नहीं पा रहा हूँ। तो बाकी इसी के बारे में बताता हूँ, जो आप लोग नहीं देखे होंगे आप लोग जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा लगा ऐसी जगह पर जाना और काफ़ी खूबसूरत लगता है, घूमते हैं। और ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं पहली बार ही गया इस जगह को दिखाने के लिए। तो ये जो जंगल है आप लोग पूरा देख सकते हैं, काफ़ी पुराना हो चुका है। सभी फ़ोटो मैं आप लोगों को डिस्प्ले पर दिखा दूँगा और वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर चले जाएगा, वहाँ से वीडियो आप लोग को पूरा मिल जाएगा। तो वीडियो देख के जरूर बताएगा कि वो जगह कैसी है और कितनी अच्छी है। तो मिलेंगे आप लोगों से आने वाले फिर से एक और नई वीडियो में। तब तक अभी मैं दिल्ली का सफ़र कर रहा हूँ, दिल्ली का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आप लोगों से आने वाले वीडियो में फिर से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।